exercise, workout, health, fitness, ये मुझे personally बहुत पसंद है और मुझे खुशी है कि सलमान भाई ने ये शुरू किया है. Being strong, being fit, वो एक इस मामले के अंदर वो बचपन से उनको खुद को एक शौक रहा है and वो अपने fans को ये मुझे लगता है gift देना चाहते हैं कि आप कुछ सीखो और genuinely जब ये launch हुआ है कुछ महीने पहले तो हमने बोलते ना कि guinea pig होता है तो हमने खुद इस पे testing की थी और हम दुनिया में बहुत travel करते हैं. हम काफी gyms में जा चुके हैं तो थोड़ा सा एक standard भी हमारा थोड़ा exercise के मामले में और health and fitness के मामले में थोड़ा ऊपर है. तो जब ये भाई ने कहा कि ये वो being fit, being strong शुरू कर रहे हैं तो एक expectation ही बहुत होती है कि अब जो बंदा जिसकी इतनी बड़ी fan following है because of the body that he's maintained for years and health and fitness. लेकिन जब मैंने equipment try किया और पहली बार मैंने आयुष के gym में try किया मुझे इतना मतलब आप जब ये equipment try करते हो तो आपको एक sense of confidence आता है. मतलब steady है और strong है और आपको आपको because मेरा सिर्फ यही tension होता है कि जब मैं अब अपने बच्चों को या किसी को कुछ कहता हूँ क्या डर लगता है कि कोई injury ना हो जाए and but ये जो equipment है ये बहुत ही scientific equipment है. इसके ऊपर बहुत study किया गया हुआ है and people who are involved in this have been in the business for many years. So I'm glad that आज शाम को we are all here to launch this beautiful evening और ये being fit, being strong ये फैले और हिंदुस्तान में, दुनिया में लोग because I genuinely believe क्या आपके पास पैसे तो हम लोग थोड़ा बहुत सब कमा लेते हैं लेकिन health is something that we all should take care of and जो मैंने ये conversation शुरू किया तो मैंने आपको वही कहा कि मुझे जब मैं यहाँ आया तो मेरे चेहरे पे खुशी थी. मुझे ये मेरी जन्नत है. ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब लोग कोई एक्सरसाइज या हेल्थ या फिटनेस का शौक होता है तो मुझे अंदर से अच्छा लगता है. सो आई एम ग्लैड आई एम हियर एंड फॉर मी इट्स अ ब्यूटीफुल सेलिब्रेशन. सलमान भाई का रिकॉर्ड भी सलमान भाई का रिकॉर्ड तोड़ना काफ़ी मामलों में मुश्किल है तो दिस इज अर लेकिन नो बट आई सी एक सलमान भाई का विद दिस यंग केड्स एंड विद दिस ही इज़ एन इंस्पिरेशन एंड आई एम ग्लैड कि उनका रिकॉर्ड नहीं टूटा आज मैं यहाँ लेकिन रिकॉर्ड्स आर मेंट टू बी ब्रोकन एंड अब तो ये शुरू हुआ है. ये आप इसको बोले टूर्नामेंट या आप उसको बोले कंपटीशन तो रिकॉर्ड्स विल बी ब्रोकन और सलमान भाई खुद चाहेंगे क्या उनका कोई रिकॉर्ड आके तोड़े कोई एंड फिर वो वापस उनका रिकॉर्ड तोड़ेंगे बिकॉज दैट्स व्हाट कीप्स हिम गोइंग एंड दैट्स व्हाट कीप्स हिम अलाइव. सो यस आई एम जस्ट ग्लैड टू बी हियर. देखिए जब लोग कहते हैं कि 6 हफ्ते का प्लान है या दिवाली तक करना है या क्रिसमस तक करना है या न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन है ये जो सब अपने आप को एक टाइम देते हैं और मुझे वो गलत लगता है. मुझे लगता है कि हमारी बॉडी है और इसका हमें इससे कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि इस पर अननेसेसरी एक टाइम लोड आए. आराम से करो और अपनी बॉडी अपनी हैसियत के हिसाब से करो. तो जब लोग कहते हैं कि आपकी मेरा इंस्पिरेशन कौन है तो मैं ये नहीं कहता कि मुझे 2 महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर मुझे ऐसा बनना है. जब मैं अपने फादर को देखता हूँ जो
80 प्लस है, जब मैं उनको देखता हूँ मैं उस उम्र में कैसा रहूँगा, मुझे वो रहना है। हम 40 50 60 साल तक हमारी बॉडी जो है वो झेल लेती है, उसके बाद क्या। लेकिन ये हमारे फाउंडेशन ईयर्स है, तो हमारे फाउंडेशन ईयर्स में मतलब मेरे फाउंडेशन ईयर्स नहीं है, मतलब मैं तो ऑलरेडी मिडिल में पहुंच चुका हूँ, लेकिन जो बच्चों के तो फाउंडेशन ईयर्स होते हैं जब वो कसरत शुरू करते हैं और एक्सरसाइज शुरू करते हैं, तो दे शुडंट ओवरडू इट। मतलब हाँ, अगर आप प्रोफेशनल हो या अगर आपका काम है और उसकी वजह से आप अगर आपकी दुकान चल रही है तो देन फॉर एन एथलीट और इफ़ यू आर अ प्रोफेशनल, लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं, जो पब्लिक है, जो सिर्फ हेल्थ एंड फिटनेस पे अपना ध्यान रखना चाहती है, वो चीज़ों को आराम से लेना चाहिए उनको। एंड जस्ट एक घंटा चल ली है या थोड़ा एक्सरसाइज कर ली है दिन में। बेसिकली फॉर मी एक्सरसाइजिंग इज मोर ऑफ द ब्लड फ्लो, क्या खून बॉडी में बहना चाहिए, और जितना आप एक्सरसाइज करोगे वह उतना आपका दिमाग